चैप्टर नाइन माई मदर लैंड दिस चैप्टर इज़ अबाउट आवर कंट्री हमारे मदर लैंड मदर लैंड मीन्स होता है जहाँ हम पैदा होते हैं मदर किस को बोलते हैं हमारी माँ को तो जिस मदर लैंड उसको बोलते हैं जहाँ हम पैदा होते हैं जो हमारी कंट्री होती है उसको हम लोग मदर लैंड बोलते हैं ठीक है दिस द वन हु गिव्स यू बर्थ द वंस हु गिब्स यू बर्थ इज़ कॉल्ड यूर मदर द कंट्री वेर यू आर बोर्न इज कॉल्ड अवर योर मदरलैंड जिस कंट्री जहाँ जो आपको जन्म देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं माँ कहते हैं लेकिन जिस जिस कंट्री में हम लोग जन्म लेते हैं उसको हम लोग मदर लैंड कहते हैं ओके इन विच इन विच कंट्री इन विच कंट्री वट यू बोर्न वट इज़ द नेम ऑफ योर मदर लैंड जिस कंट्री में आप बॉर्न हुए हैं उस कंट्री का नाम क्या है वही आपका मदर लैंड है ओके सो दिस इज़ अबाउट योर मदर लैंड सो स्टूडेंट्स हियर इज अ गिवन आ वन स्टोरी गुरुप्रीत अंजू रोजी एंड आसिफ वर ऑल बॉर्न इन इंडिया इंडिया इज देयर मदर लैंड इंडिया इज आल्सो नोन बाय सम अदर्स नेम्स लाइक अ भारत एंड हिंदुस्तान गुरुप्रीत यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है आप देख रहे हो गुरुप्रीत अंजू रोजी एंड आशीफ गुरुप्रीत है ये अंजू है ये रोजी है और ये आशीफ है ये सभी कहाँ पैदा हुए हैं बोर्न इन इंडिया इंडिया इज दियर मदरलैंड इंडिया इनका क्या है इंडिया इनका मदर लैंड है ओके इंडिया इज ऑल्सो नोन बाय सम नेम इंडिया इज ऑल्सो नोन बाय सम नेम, इंडिया को और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं लाइक like जैसे भारत एंड हिंदुस्तान ओके एंड नेक्स्ट पीपल हु बिलोंग्स टू इंडिया आर कॉल्ड इंडियन पीपल हु बिलोंग्स टू इंडिया आर कॉल्ड इंडियन वो पीपल जो इंडिया से बिलोंग करते हैं उनको हम इंडियन कहते हैं इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री इट इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स इंडिया एक ब्यूटीफुल कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं दिस इज नेशनल दिस इज़ अ नेशनल फ्लैग ऑफ आवर कंट्री ये जो है ये हमारे नेशनल हमारे कंट्री का नेशनल फ्लैग है एंड It, called, it, is called, it is called the tiranga. Isko kya kehte tiranga. It is tree colored, having saffron, white and green strips. It also has the asuk chakra in the center of the white strip. Yaha is It is इट इज ट्री कलर ये तीन कलर के होते हैं इसमें हम लोग कि ये कितने कलर होते हैं इसको ट्राई कलर बोलते हैं ठीक है ये ट्राई कलर होते हैं सैफ हैविंग सेफ्रॉन एंड व्हाइट एंड ग्रीन स्ट्रिप्स इसको ट्राई कलर होते हैं ट्राई कलर में ये आपके ऊपर उपा, सबसे ऊपर आपका सेफ्रॉन होता है ये सेफ्रॉन है वाइट है एंड ग्रीन है एंड इट ऑल्सो हैज द अशोक चक्र और इसपे एक अशोक चक्र है इट इज सेंटर ऑफ वाइट स्ट्रिप जो व्हाइट स्ट्रिप के सेंटर में होता है सेंटर में जो व्हाइट स्ट्रिप होती है उसमें ये अशोक चक्र बना होता है ये आप देख सकते हो यहाँ पे गिवेन है ओके एंड नेक्स्ट इज विद ट्वेंटी फोर स्पोक्स जिसमें ट्वेंटी फोर तीलियां बनी होती हैं एंड वी शुड रेस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग हम लोगों को क्या करना चाहिए अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ठीक है एंड दिस इज दिस इज द टाइगर इट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया ये आप टाइगर यहाँ पे है ये हमारा नेशनल एनिमल है ओके एंड द ब्यूटिफुल एंड ब्राइटली कलर्ड

सिंबल्स और ये सब क्या है हमारे नेशनल सिंबल्स हमारे राष्ट्रीय चिन्ह एंड नेक्स्ट वन इज इज एंड नेक्स्ट इज द नेशनल एंथम द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम सारनाथ ये नेशनल एम्बलम है इंडिया का जो सारनाथ से द कैपिटल ऑफ अशोक चक्र और अशोक चक्र जो कैपिटल ऑफ अशोक चक्र जो अशोक चक्र है वहां से ये लिया गया है अशोक चिन्ह एंड दिस नेशनल सिंबल्स एंड नेशनल एम्बल फील अस विथ सेंस ऑफ प्राइड फॉर अवर मदरलैंड एंड जो ये हमारा नेशनल सिंबल्स है ये हमारे हमें एक गर्व महसूस करते हैं हम इसको यह हमें एक हमारे लिए गर्व का प्रतीक है इट इज संग ऑन नेशनल फेस्टिवल जो हमारा नेशनल एंथम है जनगर मन वो रविंद्र टैगोर जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है और ये नेशनल फेस्टिवल को हमेशा गाया जाता है नेशनल फेस्टिवल आप जानते ही हो कौन कौन होते हैं आपका इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती तो ये सारे नेशनल फेस्टिवल पे इसको हम लोग गाते हैं एंड नेक्स्ट वन इज गुरुप्रीत गुरुप्रीत फील रोजिया टू सिंग द नेशनल एंथम और जो रोज़ी अंजू गुरुप्रीत हैं ये लोग को बहुत प्राउड होता है जब ये लोग अपने नेशनल एंथम को गाते हैं इन देअर स्कूल्स मॉर्निंग असम्बली अपने स्कूल में मॉर्निंग असेंबली में जब लोग ये लोग गाते हैं तो इन लोग को बहुत प्राउड फील होता है दे आर प्राउड टू बी इंडियन और ये लोग जब वो नेशनल एंथम गाते हैं इनको प्राउड होता है और ये अपने इंडियन होने पर इन्हें बहुत गर्व है कि हम इंडियन है इस बात का इनको बहुत गर्व है किसको गुरुप्रीत रोजी अंजू एंड आसिफ को एंड स्टूडेंट हियर इज अ गिवेन इट सिंपल मीनिंग लुक इज अन सम सिंपल मीनिंग फर्स्ट इज यर रिलीजंस रिलीजंस मींस अलीफ एंड वर्सिप ऑफ अ सुपर ह्यूमन कंट्रोलिंग पावर मतलब आप इसको समझ लो धर्म हमारा जो धर्म होता है लाइक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग जहाँ पूजा पाठ लोग जहाँ पू वर्सिप मीन्स होता है जहाँ अलग अलग धर्म के जो अपने गॉड को मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग पूजा करते हैं उसी को धर्म बोलते हैं ट्राई कलर्ड हैविंग थ्री कलर जिसमें तीन कलर हो उसको बोलते हैं एम्बलम एम्ब्लम हियर इज अवन अ एम्बलम एम्बलम इज अ सिम्बल एम्बलम चिन्ह हमारा सिंबल होता है कोई भी चिन्ह एंड नेक्स्ट इज एंड नेक्स्ट इज एंथम अ पैट्रियोटिक सॉन्ग विच रिप्रेजेंट अलस आइडेंटी दिस इज अ नेशनल एंथम ओके जो हमारे नेशनैलिटी को एक आइडेंटिफाई करता है कि ये हमारे ही कंट्री का नेशनल एंथम है इसको हम लोग बोलते हैं एंथम एंड लाइक अ जैसे जनगण मन हमारे देश का है तो इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल एंथम एंड नेक्स्ट वन इज एंड नेक्स्ट वन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं लुक केयरफुली पीपल हु बिलोंग टू इंडिया आर कॉल्ड पीपुल हु बिलोंग्स टू इंडिया आर नोन बाई वट ने जो लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं तो उनको हम लोग इंडियन बोलते हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं इंडियन एक वर्ड में हम लोग क्या बोलेंगे उसको इंडियन एंड वट इज़ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कॉल्ड नेशनल फ्लैग इंडिया के नेशनल फ्लैग को हम लोग क्या कहते हैं तिरंगा And next is a name the national animal of India is tiger. And next is name the national bird of India is Peacock. And next one is and next one is which song is sung on National Festival? Konsa song National Festival Pegate. This is a jangal Man. जनगर मन अधिनय जो है जो आप नेशनल फेस्टिवल जो आप डेली असेंबली में भी करते हो और नेशनल फेस्टिवल में लाइक इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती दिस इज अ योर नेशनल एंथम एंड मैच द वर्ड विद विद्यर मैच द वर्ड विद देयर पिक्चर यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और कुछ पिक्चर्स दिए हुए इनको हम लोग को मैच करना है तो आप यहाँ पे देख रहे हो नेशनल एम्बलम है तो नेशनल एम्बलम को हम लोग नेशनल एम्बलम ये है नेशनल एम्बलम को हम लोग नेशनल एम्बलम से मैच करेंगे सेकेंड इज अशोक चक्र अशोक चक्र हियर एंड नेशनल फ्लावर इज अ लोटस एंड नेशनल एनिमल इज टाइगर ठीक है ये आपका नेशनल एम्बलम हो गया लॉयन कैपिटल एंड ये आपका अशोक चक्र हो गया ये आपका नेशनल फ्लावर है ये नेशनल एनिमल है सो दिस इज यू कैन मैच दिस ओके

India is land of many religions. India is land of many religions. Name any four religions practice in India. किसी भी चार religions होते हैं जो उनमें किसी four जो practice में है उनकी आपको name लिखने हैं तो first is आप यहाँ पे आपको India में जो four religions है उसमें से आपको naming करनी है तो Hindu, Hindu, Muslim, Sikh and Christian. ये फोर नेम आप राइट कर लीजिएगा यहाँ पे ठीक है हिंदू मुस्लिम सिख एंड क्रिश्चियन फोर रिलीजन्स हैं एंड नेक्स्ट वन इज एंड नेक्स्ट वन इज इंडिया इज अ बिग कंट्री यहाँ पे लाइफ स्किल्स है यहाँ पे आपको ये खुद से करना है इंडिया इज बिग कंट्री इट हैज़ मेनी स्टेट्स एंड मेनी सिटीज यू लीव इन वन ऑफ द सिटी of India. Ask your teachers to help you fill the details below हो यहाँ पे कुछ fill. Karna करना है आपको state in which you, यू uh, in which your city is located. तो कौन से स्टेट में आपकी सिटी लोकेटेड है तो उत्तर प्रदेश आपका कौन सा स्टेट है उत्तर प्रदेश एंड नेक्स्ट वन इज एंड नेक्स्ट वन इज सिटी इन विच यू लीव कौन सी सिटी में आप रहते हो तो वाराणसी एंड कॉलोनी इन विच यू लीव तो कॉलोनी यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा और स्पेलिंग में आपको बता दूंगी ठीक है कॉलोनी जिस भी कॉलोनी में आप रहते हो एंड नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज़ एंड नेक्स्ट वन इज एंड नेक्स्ट वन इज कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट इन विच यू लीव आप जिस सिटी में जिस सिटी में रहते हो जिस स्टेट में रहते हो उसका कैपिटल क्या है उस तो आप वहाँ पे अपने स्टेट का कैपिटल लिख दोगे तो आपके आपका स्टेट है उत्तर प्रदेश और आप उत्तर प्रदेश का कैपिटल आपका है यूपी का कैपिटल आपका लखनऊ है तो यहाँ पे आप लखनऊ राइट कर लोगे एंड नेक्स्ट वन इज़ योर सिटी इज़ फेमस फॉर आपकी सिटी किस लिए फेमस है तो आपकी सिटी घाट के लिए फेमस है बनारसी साड़ी के लिए फेमस है तो वाराणसी इस बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे विश्वनाथ टेम्पल हैं एंड भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया इसके लिए फेमस है बट यू राइट ओनली घाट एंड साड़ीज़ ठीक है घाट और साड़ी के लिए हमारा यूपी फेमस है ठीक है हमारा बनारस जो है हमारा सिटी जो है किस लिए फेमस है तो हमारा सिटी किस लिए फेमस है घाट एंड साड़ी के लिए एंड ज्वाइन द डॉट्स एंड कलर द फ्लैग यहाँ पे आपको कलर uh, इसको डॉट को ज्वाइन करना है यू कैन यूज अ ब्लैक कलर यू कैन यूज ब्लैक कलर फर्स्ट सॉरी यू कैन यूज अ ब्लैक कलर तो दिस टाइप ब्लैक कलर आप पहले इसमें यूज कर लीजिएगा या पेंसिल एंड आप इसको यूज करके फिर इसमें आपको ऊपर वाले में आप इसमें सेफ्रॉन कलर करिएगा एंड नेक्स्ट सेकेंड में आपको इसमें नीचे ग्रीन करना है ठीक है तो आप इसको कलर कर लीजिएगा एंड नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज हियर इज आवर कंट्री अवर कंट्री इंडिया इज़ फेमस फॉर मैनी थिंग्स आपकी इंडिया जो है वो बहुत चीज़ों के लिए फेमस है एंड स्टीक पिक्चर्स इन ईच बॉक्स एंड कंप्लीट द कोल्स यहाँ पर आपको बहुत सारे बॉक्स में बहुत सारे पिक्चर्स पेस्ट करनी है तो लाइक अ फेमस इंडियन लीडर तो फेमस इंडियन लीडर यहाँ पर तो आप महात्मा गांधी का पिक्चर पेस्ट कर लीजिएगा एंड फेमस स्पोर्ट पर्सन सचिन तेंदुलकर को पेस्ट कर लीजिएगा फेमस इंडियन सिंगर तो लता मंगेशकर को पेस्ट कर लीजिएगा फेमस इंडियन हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स ताजमहल कोई भी एक मोनूमेंट्स आप लिख सकते हैं तो ताजमहल यहाँ लिख फेमस इंडियन फूड फेमस इंडियन फूड आप दाल चावल इंडियन फूड में बहुत सारे साउथ के भी फूड्स हो सकते हैं यहाँ के भी हो सकते हैं बहुत सारे फूड हो सकते हैं तो एज़ योर विस्कुज भी आप लिख सकते हैं पेस्ट कर सकते हैं एंड फेमस इंडियन डांस फेमस इंडियन डांस आप लिख सकते हो कथक कोई भी इंडिया का डांस लिख सकते हो एंड फेमस इंडिया ड्रेस तो फेमस इंडिया ड्रेस इज कैन फर्स्ट यू आप यहाँ पे आपको पेस्ट करना है पिक्चर और यहाँ पे इसके नेम लिखने हैं तो फर्स्ट यू लुखिया केयरफुली यहाँ पे पिक्चर आप पेस्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर सेम एज आपको जो पिक्चर पेस्ट करेंगे वही आपको यहाँ पर राइट कर लीजिएगा योर टी शर्ट विल हेल्प यू टू राइट दियर्स नेम्स वी लो एंड लुखिया फेमस इंडियन लीडर तो फेमस इंडियन लीडर इज़ महात्मा गांधी एंड फेमस इंडियन स्पोर्ट पर्सन इज़ सचिन तेंदुलकर एंड नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट वन इज़ फेमस इंडियन सिंगर इज़ लता मंगेशकर

चाउमीन मैगी ये सब नहीं आपको राइड करना है क्योंकि ये आपके उधर के साइड के हैं विदेशों के साइड के चाइना के हैं तो आपको जो भी इंडिया के हैं वो फूड आपको यहाँ पर राइड करने हैं एंड फेमस इंडियन डांस इज़ क्लासिकल एंड फेमस इंडिया ड्रेस इज़ साड़ी ओके okay, तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है ये यह आप यहाँ से देख सक देख के इसको राइट कर लीजिएगा और मैंने क्लास में भी इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है बहुत अच्छे से और फील भी करवा दिया था एंड यहाँ भी आप लोग देख लीजिएगा एंड दिस चैप्टर इज डन बेटा famous indian leader is mahatma gandhi famous indian sport person is sachin Tendulkar, famous indian singer is lata mangeshkar famous indian hist uh, historical monuments is taj mahal and famous indian food is food dish is dal chawal here is written and famous indian dance is classical dance and famous indian dress is sari एंड यहाँ पे आपको पिक्चर पेस्ट करना है फेमस लीडर की फेमस स्पोर्ट्स फेमस सिंगर फेमस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स फेमस इंडियन फूड डिज फेमस इंडियन डांस एंड फेमस इंडियन ड्रेस सो दिस चैप्टर इज डन स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर ओके स्टूडेंट्स थैंक यू हैव अस डे